ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो वर्स नंबर 3.37 से आज हम अपना डिस्कशन भगवद गीता पर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम जैसा हमने देखा था कि अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसके कारण कि व्यक्ति अगर पाप नहीं भी करना चाहे तो भी पाप कार्य करने के लिए फोर्स्ड हो जाता है। तो उसके जवाब अब यहां पर भगवान देंगे। तो ये भी हमने देखा था, कम से कम इतनी बात तो पक्की है कि वो सुपर सोल नहीं है। यानी हम अगर कहते हैं कि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है तो भगवान ही हमसे गलत कार्य भी करा रहे हैं, तो ये सही फिलॉसफी नहीं है, ये सही बात नहीं है। तो वास्तव में वो कौन सी चीज है जो हमसे न चाहते हुए भी गलत कार्य करवा देती है, उसका जवाब आज यहाँ पर भगवान देंगे वर्स नंबर 3.37 पे। तो ये वर्स है 3.37 और इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है कि द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड इट इज लस्ट ओनली अर्जुन व्हिच इज बोर्न ऑफ कॉन्टैक्ट विद द मटेरियल मोड ऑफ पैशन एंड लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रैथ एंड व्हिच इज द ऑल डिवोरिंग सिनफुल एनमी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि इट इज लस्ट, ये काम है अर्जुन, इसके कारण ही व्यक्ति न चाहते हुए भी गलत कार्य करता है और दिस इज द बिगेस्ट एनमी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो देखिए इसका थोड़ा जो साइकिल है हाउ दिस लस्ट वर्क्स उसे हमें समझना पड़ेगा। देखिए वी ऑल हैव लव फॉर कृष्णा, ओरिजिनली द लिविंग एंटिटी इज प्योर, उसके अंदर कोई लस्ट नहीं होता, सिर्फ लव फॉर कृष्णा होता है। बट व्हेन द लिविंग एंटिटी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मटीरियल क्रिएशन, तो मटीरियल क्रिएशन यानी मटीरियल नेचर के तीन गुण से जब कॉन्टैक्ट में आता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो उसके अंदर हर तरह की इंप्यूरिटीज डेवलप होती हैं। तो यहां पे देखिए मोड ऑफ पैशन के कॉन्टैक्ट में व्यक्ति लस्ट डेवलप करता है। previously he is only having love but when he comes in contact with the mode of passion yani rajogun ke contact mein aakar to uske andar jo love for krishna hai wo lust mein transform hota hai। kaise, jis prakar ki ek jaise ki milk wo aapka convert ho jata hai curd mein agar hum usme thoda tamarind agar dale thodi si imli ya fir neebu अगर आप मिल्क में डालते हैं दूध में डालते हैं तो ट्रांसफॉर्म होकर के वो कर्ड बन जाता है। उसी प्रकार से जब हमारा जो ओरिजिनल नेचर है लव वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है लस्ट में व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ मोड ऑफ पैशन। तो मोड ऑफ पैशन इज द थिंग विच ट्रांसफॉर्म्स अवर लव इनटू लस्ट। एंड नाउ व्हेन दिस लस्ट इज अनसैटिस्फाइड, जब आपके जो काम भावना है वो सेटिस्फाई नहीं होती है, देन इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रैथ एंड रैथ इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो मोड ऑफ पैशन से लस्ट आता है और मोड ऑफ इग्नोरेंस से रैथ आता है। यही हमारा यह सेक्शन है, इसमें भगवान बता रहे हैं कि लस्ट एंड एंगर इन दोनों चीज के बारे में भगवान डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे और इनको बताएंगे कि दीज टू थिंग्स लस्ट एंड एंगर आर द गेटवे टू हेल। तो रैथ देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इल्यूजन, भ्रम में, एंड बिकॉज ऑफ इल्यूजन आवर होल मटेरियल एग्जिस्टेंस कंटिन्यूज। वी आर अंडर द इल्यूजन दैट आई एम दिस बॉडी, वी आर अंडर दिस इल्यूजन दैट आई एम एन इंडियन और आई एम अ ह्यूमन बीइंग और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई एम अ फादर और अ मदर और आई एम अ हस्बैंड और अ वाइफ, ऑल दिस डेजिग्नेशंस जो कि एक्चुअली में इल्यूजरी हैं। हमारी ओरिजिनली और सबसे पहली आइडेंटिटी है दैट वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। हम इस आइडेंटिटी को भूल करके हम दूसरे बहुत सारे आइडेंटिटीज से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो दैट इज इल्यूजन एंड बिकॉज ऑफ दिस इल्यूजन अवर मटेरियल एग्जिस्टेंस इज कंटिन्यूइंग। सो दैट्स द पॉइंट। सो देयरफॉर लस्ट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द लिविंग एंटिटी, लस्ट सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कम से कम हमें पता होना चाहिए कि हमसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। आपका कोई बिजनेस कॉम्पिटिटर आपका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, या किसी भी तरह आपका आपके क्लास में जो
मोस्ट स्टूडियस पर्सन है जिसको कि आप एग्जाम में हराने का कोशिश कर रहे हो, उससे ज्यादा मार्क्स पाने का कोशिश कर रहे हो, आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है, आपका सबसे बड़ा जो एनिमी है वो कौन है? वो लस्ट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अवर एनिमी. अगर हमें एनिमी अपना पता ही नहीं है तो हम उसके ऊपर काबू कैसे प्राप्त करेंगे? तो दिस इज द पॉइंट. इट इज लस्ट ओनली विच इंड्यूसेस द प्योर लिविंग एंटिटी टू रिमेन इंटैंगल्ड इन द मटेरियल वर्ल्ड. लस्ट के कारण ही, अगर ये लस्ट हम छोड़ दें, अगर ये काम भावना हमसे चली जाए हमारे अंदर से, तो फिर हमारा मेटल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है. तो लस्ट के कारण ही हम इस जगत में पड़े हुए हैं. इफ देयरफॉर द मोड ऑफ पैशन इंस्टेड ऑफ बीइंग डिग्रेडेड इनटू द मोड ऑफ इग्नोरेंस इज एलिवेटेड टू द मोड ऑफ गुडनेस, वन कैन बी सेव्ड फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ रैथ. यानी जो हम देखें कि रजोगुण ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है वो तमोगुण में, यानी एंगर आपका जो लस्ट है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ रजोगुण, और वो जब ट्रांसफॉर्म होता है रैथ में तो विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस या तमोगुण. तो अगर हम अपने रजोगुण को मोड ऑफ गुडनेस में ट्रांसफॉर्म कर दें तो हम इस लस्ट और एंगर दोनों को ओवरकम कर सकते हैं. इस मोड ऑफ गुडनेस यानी सत्वगुण में लस्ट और एंगर का प्रेजेंस नहीं होता है. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. देयरफॉर वी हैव टू कल्टिवेट मोड ऑफ गुडनेस. हमें सत्वगुण का कल्टिवेशन करना है. अगर रजोगुण में रहेंगे तो लस्ट विल ट्रबल यू, और वो इनएविटेबली डिग्रेड होगा तमोगुण में, नेचर्स ओन वे में, बिकॉज लस्ट इज नॉट ऑलवेज सेटिस्फाइड, एंड व्हेन इट विल नॉट गेट सेटिस्फाइड देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू रैथ व्हिच इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस, और इसके कारण हमारा मेटल एग्जिस्टेंस कंटिन्यू करेगा. इसीलिए सत्वगुण में आने का, मोड ऑफ गुडनेस में आने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है डिवोटीज के लाइफ में. सो दिस कैन बी डन. We can transform ourselves into mode of goodness. How this can be done? By following the prescribed method of living and acting for spiritual advancement. तो जो rules and regulations scriptures में दिए गए हैं, उनको अगर हम properly follow करते हैं, तो हम धीरे-धीरे रजोगुण से सत्वगुण में अपने आप को elevate कर पाएंगे. So this is the importance of following the principles of scriptures. कि धीरे-धीरे अगर हम उनको अच्छे से दृढ़ता के साथ follow करते हैं, तो श्योरली हम लोग धीरे धीरे अपने मोड्स को एलिवेट करके सत्वगुण में आ जाएंगे. और एक बार तीन एक समय ऐसा भी आएगा जब तीनों मोड्स को हम ट्रांसफॉर्म करके शुद्ध सत्व में चले जाएंगे. तो देखिए, मिसयूज ऑफ इंडिपेंडेंस हैज कॉस्ट अस टू कम अंडर द स्वे ऑफ लस्ट. तो हाउ वी हैव कम अंडर दिस स्वे ऑफ लस्ट, हमारे अंदर ये काम भावना आई कैसे? तो दिस इज अवर मिसयूज ऑफ माइन्यूट इंडिपेंडेंस. देखिए, वी आर लिविंग एंटिटीज, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा. हम भगवान के अंश हैं. तो भगवान सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है और हमारे पास भी माइन्यूट इंडिपेंडेंस है. उस माइन्यूट इंडिपेंडेंस को इस्तेमाल करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आइदर वी विल बी अंडर द केयर ऑफ स्पिरिचुअल नेचर और वी विल बी अंडर द केयर ऑफ मटीरियल नेचर. ये चॉइस है हमारे पास. तो हमने डिसाइड किया अपने फ्री विल को मिस यूज करके कि हम मटीरियल नेचर के अंदर आएंगे. देखिए, भगवान हमसे प्रेम करते हैं, कृष्णा लव्स अस. तो लव का डेफिनेशन होता है कि यू गिव द पर्सन हुम यू लव फ्रीडम आइदर टू चूज यू और नॉट टू चूज यू. क्योंकि आप किसी को गन पॉइंट पे आप नहीं कह सकते कि यू लव मी. तो अगर आप किसी को गन पॉइंट पे कहते हैं कि टेल दैट यू लव मी, तो वो पर्सन अगर बोलता भी है कि आई लव यू, सो दैट इज ओनली आउट ऑफ फियर, दैट इज नॉट एक्चुअल लव. तो इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि जब भगवान हमसे प्रेम करते हैं और प्रेम करने के बाद, और उन्हें ये भी बात पता है कि हम जड़ जगत में आएंगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे, तो उन्होंने हमें आने क्यों दिया? तो दैट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ लव. कि अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो उसे फ्रीडम आप देंगे. विदाउट फ्रीडम देयर इज नो मीनिंग ऑफ लव. अगर जबरदस्ती किसी को आप अपने पास रोक लें, कोई आपसे दूर जाना चाहता है, आप उसे अपने पास रोक लें और बोलें कि बिकॉज आई लव यू यू कैन नॉट गो अवे, so that is not actual love. Love means ki you give that person freedom, give him all kinds of good advice, suggestions, lekin still if he chooses you, then that means it is real love. Lekin agar aap usse gun point pe bolte ki nahi milega jaane, to that is not actual love. So similarly bhagwan ne bhi, wo chahte to hame rok sakte the lekin unhone hame roka nahi, unhone hame freedom diya ki I give you knowledge now, but you choose, you want to be with me or you want to go to the material world
एंड देयर यू वांट टू एंजॉय योरसेल्फ, ये एक तुम्हारी चॉइस है. तो हमने चूज किया कि हम मटेरियल वर्ल्ड में आकर के हम भगवान से दूर होकर सेपरेटली एंजॉय करने का प्रयास करेंगे. एंड कृष्णा फैसिलिटेटेड दैट, वो फैसिलिटी उन्होंने हमें दिया. लेकिन यहाँ पर जब हम आए तो देन वी सॉ कि अरे अब तो हम रजोगुण तमोगुण सत्वगुण इसके कंट्रोल के अंदर आ गए हैं. तो ये हमारा ये सारा चीज किस लिए ऐसा हुआ है? बिकॉज ऑफ द मिस यूज ऑफ अवर फ्रीडम, जो माइन्यूट फ्रीडम हमें दिया गया था. लेकिन अब हम अपने उसी फ्रीडम का प्रॉपर यूज करके हम वापस भगवान को सरेंडर कर सकते हैं. एंड देन ऑल दीज थिंग्स, जो लस्ट, एंगर, प्राइड, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन, ये जो अनर्थ हैं जो हमें कैप्चर किए हुए हैं, ये हमसे दूर चले जाएंगे. तो मटेरियल क्रिएशन इज क्रिएटेड टू गिव फैसिलिटी टू द कंडीशन सोल्स टू फुलफिल दीज लस्टफुल प्रोपेंसिटीज. तो एक्चुअली मटेरियल नेचर क्यों बनाए गए? इसी कारण से, क्योंकि हम भगवान से दूर होके हमने अपने फ्री विल से, अपने इंडिपेंडेंस से डिसाइड किया था कि हम भगवान से दूर जा करके एंजॉय करना चाहते हैं. तो भगवान ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को छोड़ करके एक दूसरा वर्ल्ड क्रिएट किया कि यहाँ पर जाकर के तुम उससे दूर होकर एंजॉय कर सकते हो. एंड दैट इज दिस मटेरियल वर्ल्ड, जहाँ पे आकर के हम भगवान अभी पिक्चर में नहीं है और हम सेपरेटली एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं. सो दैट इज दिस मटेरियल वर्ल्ड. So when completely baffled by prolonged lustful activities, the living entities begin to inquire about their real position. अब इस जड़ जगत में भगवान ने फैसिलिटेट तो कर दिया कि ठीक है जाओ, तुम उसे दूर होकर के एंजॉय करना चाहते हो, गो एंड एंजॉय द मटेरियल वर्ल्ड. लेकिन यहाँ पर जब हम अपनी लस्टफुल प्रोपेंसिटीज को, एंजॉयमेंट्स को फुलफिल करने का कोशिश करते हैं और करते करते फाइनली जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तो देन वी स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन के हु एम आई, What is the purpose of life? मैं कहाँ से आया हूँ? Then we start inquiring about our real position. तो इतने लंबे साइकिल में जा करके जब पूरी तरह से frustrated हो जाए, एकदम frustration का चरम सीमा पार हो जाए, तब आपके मन में ये question आए, उससे better है कि अभी ही scriptures को पढ़ करके हमें ये सारी चीज़ें जान लेना चाहिए और अभी ही हमें shortcut रास्ता मान करके अभी ही ये प्रश्न पूछना चाहिए कि वास्तव में हम कौन हैं, इस material world का purpose क्या है, हम क्यों यहाँ पर हैं. और इन हायर ट्रूथ्स को हमें जान करके, भक्ति का प्रैक्टिस करके, जो कृष्ण से हमारा लॉस्ट रिलेशनशिप है उसे रिवाइव करना चाहिए. सो दिस इंक्वायरी इज द बिगिनिंग ऑफ वेदांत सूत्रस. तो वेदांत सूत्र का कहते हैं कि सबसे पहला एफोरिज्म है, सबसे पहला वर्स जो वेदांत सूत्र का आता है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि देयरफॉर यू शुड इंक्वायर. तो यहां पर जब ये इंक्वायरी शुरू होती है तो That is the beginning of Vedanta Sutra. जब आप inquire करते हैं ब्रह्म के बारे में कि who am I, what is this world, what is the purpose of this world, जब ये inquiry आई तो वहां से Vedanta Sutra शुरू होता है. Vedanta Sutra का पहला verse है ब्रह्म जिज्ञासा. तो जिसके अंदर जिज्ञासा आई उसके लिए spiritual life अभी शुरू हुई. जिसके अंदर ये जिज्ञासा ही नहीं आई तो अभी तक उसके लिए spiritual life शुरू ही नहीं हुई है. तो first this inquiry has to come, who am I? Why am I here? So that is the point that is being explained here. So transforming lust and wrath. So dekhiye how lust and wrath can be transformed into a better thing. How hum log lust aur wrath ko overcome kar sakte hain in a practical way. So that is also being described by Srila Prabhupada in the purport of this 3.37 verse. कि देखिए एवरीथिंग हैज इट्स ओरिजिन इन सुप्रीम इवन लस्ट एंड रैथ. तो लस्ट एंड रैथ का भी ओरिजिन है भगवान में ही. भगवान में अगर कुछ ना हो तो फिर वो मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो एवरीथिंग इज देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, बस उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करता है. तो जैसे हम देख सकते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ऑल काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स आर देयर, लेकिन दे आर प्योर. उन्हीं का हम लोग रिलेशनशिप्स यहाँ पे देखते हैं जो मटेरियल वर्ल्ड में होते हैं, फादर मदर या हस्बैंड वाइफ या मदर एंड सन, ऑल दिस थिंग्स. ये जो रिलेशनशिप्स हैं, ये सारे रिलेशनशिप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, लेकिन वो प्योर हैं और उनका परवर्टेड रिफ्लेक्शन यानी एक इम्प्योर रिफ्लेक्शन मटेरियल वर्ल्ड में पाया जाता है. तो सिमिलरली लस्ट एंड रैथ आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन प्योर फॉर्म. जैसे कि हम देखें कि लव जो है दैट इज एक्चुअली द प्योर फॉर्म ऑफ लस्ट. जब लस्ट प्योरीफाई हो जाता है तो लस्ट गेट्स कन्वर्टेड इन टू लव. तो जस्ट लाइक लस्ट एंड लव आर सिमिलरली, जैसे कि आप गोल्ड और आयरन को कह सकते हैं, दोनों मेटल हैं लेकिन वन इज गोल्ड विच इज वेरी वैल्यूएबल एंड वन इज सिंपली आयरन. तो एवरीथिंग हैज इट्स ओरिजिन इन द सुप्रीम. तो लस्ट एंड
wrath also. Therefore, lust, if lust is transformed into love for the supreme, अगर lust को हम वापस transform कर पाए इसके pure form में, that is love for the supreme. Or in other words, when we start desiring everything for Krishna, then both lust and wrath can be spiritualized and they can become our best friends. यानी you have lust for anything else. अब उस lust को आप redirect कर दीजिए lust for the Lord. Lust means intense desire to attain something. तो आपके अगर वो जो intense desire है उसको आपने transform कर दिया towards Krishna. For Krishna you start lusting for Krishna. Instead of lusting for anything else of this world, you start lusting for Krishna. So then lust can become your best friend. It will become spiritualized. Otherwise, lust and anger, they are our worst enemies. Like in when it is directed for the service of Krishna, then they become our best friend. Jaise ki for example, aap dekhiye Hanuman ji. Unhone apne anger ko utilize kiya. Anger is a very deadly enemy of the living entity. Bahut bada dushman hai hamara. Lekin Hanuman ji ne us anger ko utilize kiya rakshason ko marne ke liye, Ravan ki sena ko khatam karne ke liye. Jab Hanuman ji ladte the, he was very very angry. To us anger ko utilize kiya unhone Bhagwan Ram ki seva mein. So that anger became the best friend of Hanuman ji. So similarly, we can also transform our lust and anger in service of the Lord. और वही सजेशन यहाँ पर भगवान अर्जुन को दे रहे हैं कि अर्जुन यू ऑल्सो यूटिलाइज योर एंगर इन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम बाई फाइटिंग दिस वॉर. आप भी अपने रैथ, अपने एंगर का इस्तेमाल करिए ये कौरव सेना को मारने के लिए. तो दिस इज हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म लस्ट एंड रैथ हु आर अवर एनिमीज इन टू अवर बेस्ट फ्रेंड्स. सो दैट इज वॉट इज बींग एक्सप्लेन्ड हियर. And now we should know the characteristics of lust, कि how dangerous lust is. तो lust के बारे में कुछ misconceptions हैं जो कि भगवान यहाँ पे clearly clarify करते हैं कि देखिए lust is more subtle than wrath. Lust जो होता है वो wrath से बहुत सूक्ष्म है. देखिए आप गुस्सा करते हैं तो आराम से पता चल जाता है कि कोई भी आपको देखेगा कि ये गुस्सा है तो उसे क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये अभी भाई साहब गुस्से में है. लेकिन अगर आपके अंदर लस्ट है तो हो सकता है किसी को पता भी ना चले, आपके इंटेंशन सिर्फ आप ही जानते हैं. एंगर तो दिख जाता है, लस्ट दिखता नहीं है. इट इज देयरफॉर इट इज मोर फाइन. लेकिन इट कैन लीड इनटू एंगर व्हेन लस्ट इज नॉट फुलफिल्ड. जो हमने देखा इट विल लीड टू एंगर. तो लस्ट इनवेरिएबली टर्न्स इनटू रैथ एज इट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड. तो ऐसा नहीं है लस्ट को आप कभी भी सेटिस्फाई कर पाएंगे पूरी तरह. तो देयरफॉर अगर लस्ट को ओवरकम नहीं किया जाए तो इनएविटेबली इट विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रैथ. सो देयरफॉर इट इज अ वेरी डेंजरस एनमी. एज सून एज पॉसिबल यू हैव टू ओवरकम अवर लस्टफुल प्रोपेंसिटीज. सो लस्ट बर्न्स लाइक फायर, एडिंग फ्यूल विल ओनली वर्सन इट. तो अगेन द सेम पॉइंट कि लस्ट को सेटिस्फाई करने से वो खत्म नहीं होता. यू आर लस्टिंग फॉर समथिंग, अगर आपने उसको आंसर किया उस कॉल को तो ऐसा नहीं है कि लस्ट चला जाता है. जस्ट लाइक कि अगर आप आग में को बुझाने के लिए उसमें और आप किरोसिन ऑयल ही डाल रहे हैं तो आग बढ़ जाएगी, आग उससे ख़त्म नहीं होगी. आग को बुझाने के लिए पानी डालना चाहिए, लेकिन अगर आग को आप बुझाने के लिए किरोसिन ऑयल ही उस पर डाल रहे हैं तो आग और बढ़ जाएगी. इसीलिए अपनी लस्टफुल प्रोपेंसिटीज को सेटिस्फाई करने का प्रयास करना इज लाइक एडिंग किरोसिन इनटू द फायर. So therefore we have to be very careful. Ki we don't have to answer the calls of lust. We have to transcend the lustful propensities that we have in our heart. So Srila Baldev Vidya Bhushan, he has commented in his commentary on Bhagavad Gita that danda or punishment is the only way to deal with lust. Dekhe, enemy se deal karne ke bahut sare tarike shastron mein bataye gaye. Rajniti ke hisab se saam daam dand aur bhed, ये तरीके होते हैं, साम दाम दंड और भेद. तो इन चार तरीकों से आप अपने दुश्मन के ऊपर काबू पा सकते हैं. लेकिन लस्ट इज सच ए एनिमी कि कोई और चीज इसके ऊपर नहीं चलेगा, सिर्फ दंड. ओनली दंड और पनिशमेंट कैन ओवरकम लस्ट. तो देयरफॉर वैदिक सिविलाइजेशन में, वैदिक एजेस में, वैदिक कल्चर में आप देखेंगे कि लस्ट
के रूल्स को अगर कोई ब्रेक करता है तो उसके बहुत हैवी पनिशमेंट्स होते हैं. बिकॉज पनिशमेंट इज द ओनली थिंग बाय विच द फियर ऑफ पनिशमेंट कैन ओनली मेक अ पर्सन ट्रांसेंड लस्ट. अदर थिंग्स साम दाम एंड भेद विल नॉट वर्क, ओनली दंड विल वर्क. सो दैट इज द थिंग. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर हम भी अपने किसी लस्टफुल प्रोपेंसिटीज को आंसर करते हैं तो वी शुड आवरसेल्व्स टेक सम पनिशमेंट सो दैट अवर माइंड नोज कि अगर कि हम कुछ लस्टफुल प्रोपेंसिटीज में इंगेज करते हैं तो अगेन पनिशमेंट हमारा वेट कर रहा है. सो देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द ओनली वे टू डील विथ लस्ट इफ यू फिक्स सम पनिशमेंट कि कभी भी मैंने अपनी लस्टफुल प्रोपेंसिटीज को आंसर किया देन दिस इज द पनिशमेंट दैट आई विल टेक फॉर माई सेल्फ और समबडी विल इंप्लीमेंट अपॉन मी. तो लस्ट अराइजेस फ्रॉम द मोड ऑफ पैशन हेंस वी शुड मेटिकुलसली अवॉइड रजोगुण. तो देखिए लस्ट जैसे हम देखें रजोगुण से आता है, मोड ऑफ पैशन से आता है, इसीलिए रजोगुण की चीजों को हमें बहुत अवॉइड करना चाहिए. रजोगुण की चीजें क्या होती हैं मोड ऑफ पैशन में, जैसे कि फास्ट फूड्स टू मच इन मोड ऑफ पैशन, टाइट क्लोथ्स टू मच इन मोड ऑफ पैशन, या फिर डिस्कोस और इस तरह के प्लेसेस, टू मच कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें जब टू मच इन द मोड ऑफ पैशन होती हैं तो ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू अवॉइड. तो भगवद गीता में आगे हम देखेंगे कि रजोगुण में क्या क्या चीजें होती हैं, उसका एक बहुत बड़ा लिस्ट दिया गया है. और श्रीमद् भागवत में और भी एग्जॉस्टिव लिस्ट दिया गया है कि क्या क्या चीजें हैं जो कि रजोगुण में आती हैं. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू अवॉइड ऑल द थिंग्स विच प्रोपेल अस टुवर्ड्स रजोगुनिक टेंडेंसीज. तो देन धीरे धीरे विल फाइंड कि हम सत्वगुण में जाएंगे और लस्टी प्रोपेंसिटीज विल गो अवे. सो कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स, कृष्णा फर्दर एक्सप्लेन्स लस्ट इन द नेक्स्ट वर्स. तो लस्ट के बारे में भगवान अभी फर्दर नेक्स्ट आगे भी अगले वर्स में बताते हैं. तो दिस वॉज वर्स नंबर 37, अब 38 वर्स. सो दिस इज द टेक्स्ट एंड दिस इज ट्रांसलेशन. एज फायर इज कवर्ड बाई स्मोक, एज अ मिरर इज कवर्ड बाई डस्ट, और एज द एम्ब्रियो इज कवर्ड बाई द वूम्ब, द लिविंग एंटिटी इज सिमिलरली कवर्ड बाई डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लस्ट. तो देखिए यहाँ पे तीन बातें बताई गई हैं कि जैसे कि आग स्मोक से, धुएं से कवर होती है, पहली चीज, या फिर जैसे शीशा मिरर डस्ट से कवर होता है, सेकेंड थिंग, एंड थर्ड जैसे कि एम्ब्रियो वूम्ब में, माँ के गर्भ में बच्चा जैसे कवर होता है, उस प्रकार से कोई भी व्यक्ति लस्ट से कवर होता है. तो तीन लेवल की कवरिंग्स बताई गई हैं ये तीन एनालॉजीज में. तो इनको हम देखेंगे किस प्रकार से, कि थ्री डिग्रीज ऑफ कवरिंग ये कैसे बताई गई हैं, कि एज फायर कवर्ड बाय स्मोक, और मिरर कवर्ड बाय डस्ट, या एम्ब्रियो कवर्ड बाय वूम्ब. ये तीन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कवरिंग है. यानी फायर कवर्ड बाय स्मोक में मिनिमम कवरिंग है, मिरर कवर्ड बाय डस्ट में मीडियम कवरिंग है, और एम्ब्रियो कवर्ड बाय वूम्ब में सबसे ज्यादा कवरिंग है. देखिए फायर है, अगर उस स्मोक से कवर भी हो जाए तो भी थोड़ी सी हीट और लाइट उसकी आते रहती है, जिसको कि हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं. अगर स्मोक है तो भी फायर का हीट एंड लाइट हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड फायर का एग्जिस्टेंस फिर भी विजिबल है, यानी वो ज्यादा कवर्ड नहीं है, इसलिए सबसे कम कवरिंग है. मिरर अगर डस्ट से कवर्ड है तो अब आप उसे कुछ यूटिलाइज नहीं कर सकते जब तक कि आप उसके ऊपर का डस्ट नहीं हटाएं, आप उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते. अगर फायर कवर्ड है स्मोक से तो आप फिर भी उस आग का कुछ इस्तेमाल कर सकते हो, हीट एंड लाइट उसका यूजफुल फिर भी है. लेकिन अगर मिरर डस्ट से कवर्ड है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते आपको जब तक कि वो डस्ट हटाते नहीं है, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा कवरिंग है. लेकिन एम्ब्रियो कवर्ड बाय द वूम्ब, इसमें तो द थिंग इज नॉट विजिबल, ओनली द चाइल्ड इन द वूम्ब इज नॉट विजिबल. कम से कम देखिए सेकंड में मिरर विजिबल तो है, लेकिन तीसरे केस में इतना हाई कवरिंग है कि एम्ब्रियो तो विजिबल ही नहीं होता, और इतना कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है कि वो अपने हाथ पैर मूव भी नहीं कर सकता, उसका मूवमेंट का भी फ्रीडम नहीं है, इतना ज्यादा वो कवर किया हुआ है. तो ये लस्ट की तीन अलग अलग लेवल्स की कवरिंग है, जिसको कि ये भगवद गीता में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि तीन लेवल पे कवरिंग होती है, या तो लाइक फायर कवर्ड बाय स्मोक, या मिरर कवर्ड बाय डस्ट, या एम्ब्रियो कवर्ड बाय वूम्ब. तो यहाँ पे
जो फायर कवर्ड बाय स्मोक है उसमें समझ लीजिए कि द पर्सन इज स्लाइटली कृष्णा कॉन्शियस, कि अभी भी हीट एंड लाइट थोड़ी सी तो है, वो स्लाइटली कृष्णा कॉन्शियस है, और थोड़ा सा अगर उसमें हवा दी की गई तो आग फिर भभक करके जल उठेगी। यानी व्यक्ति का जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो आध्यात्मिक चेतना है, वो फिर से जागृत हो जाएगी, थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाया जाए तो, बस धुएं को अगर क्लियर कर दिया जाए तो। सो इसीलिए इसमें मिनिमम कवरिंग है एंड पर्सन इज लाइट कृष्णा कॉन्शियसनेस। एंड मिरर कवर्ड बाय डस्ट, इसमें थोड़ा ज्यादा कवरिंग है, लेकिन दिस इज मे बी रिफर टू द क्लेंजिंग प्रोसेस, कि जैसे कि हम बोलते चेतो दर्पण मार्जनम, तो जो चित्त का दर्पण है उसका मार्जनम, उसकी सफाई हम करते हैं कैसे, हरि नाम संकीर्तन से। तो जो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम फॉलो करते हैं स्पिरिचुअलिटी के, जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, ये हरि नाम जो हम जप करते हैं, इससे जो हमारा चित्त का दर्पण है उसका मार्जन होता है, यानी जो डस्ट हमारे हार्ट को कवर की हुई है उसको हम क्लियर कर सकते हैं बाय हरि नाम संकीर्तन, चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। तो दिस इसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत कम है, लेकिन अगर ये जप करते रहे तो धीरे धीरे वी कैन मूव अहेड फॉर फर्दर मोर, हमारा एडवांसमेंट हो सकता है, वी कैन बिकम स्लाइटली कृष्ण कॉन्शियसनेस, एंड इफ वी कंटिन्यू अवर प्रैक्टिस देन वी विल बिकम मोर कृष्ण कॉन्शियस। एंड थर्ड थिंग इज ऑलमोस्ट हेल्पलेस पोजिशन में द एम्ब्रियो इज कवर्ड इन द वूम्ब, कि इसको यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हेल्पलेस कंडीशन है, यानी जो वूम्ब एम्ब्रियो में जो सॉरी जो वूम्ब में एम्ब्रियो है, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक कि अभी उसका कोई फ्रीडम नहीं है, वो कुछ और नहीं कर सकता, ही कैन जस्ट सिंपली स्टे देयर एंड जस्ट सिंपली सफर। तो ये अलग अलग लेवल्स के ऐसे कवरिंग्स होती हैं। तो देखिए, फायर कवर्ड बाय स्मोक रिफर्स टू ह्यूमन बींग्स, मिरर कवर्ड बाय डस्ट रिफर्स टू बर्ड्स एंड बीस्ट, एंड एम्ब्रियो इन द वूम्ब रिफर्स टू प्लांट्स एंड ट्रीज। यानी ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट एलिवेटेड, वो सबसे मिनिमम कवरिंग उनमें होता है, यानी ह्यूमन लाइफ में अगर हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे जो हमारी जो अभी स्लाइट फायर है उसको किंडल करके हम एक भभकती हुई जोरदार ब्लेजिंग फायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस की। दिस अपॉर्चुनिटी इज देयर इन ह्यूमन बींग्स। बर्ड्स एंड बीस्ट का कॉन्शियसनेस और ज्यादा कवर्ड है, एंड प्लांट्स एंड ट्रीज इनका कॉन्शियसनेस और भी ज्यादा कवर्ड है, यानी इनके अंदर तो ऑलमोस्ट नो फ्री विल। हमारे पास हम अपने फ्री विल को एक्सरसाइज कर सकते हैं, बर्ड्स और बीस थोड़ी कवर्ड है लेकिन उनके पास भी थोड़ी फ्री विल है, प्लांट्स और ट्रीज तो एकदम इमूवेबल हैं, उनके पास ऑलमोस्ट कोई फ्री विल है ही नहीं। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड इन दिस वर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कवरिंग। तो बाय केयरफुल हैंडलिंग ऑफ द स्मोक इन द फायर, फायर कैन बी मेड अ ब्लेज, यानी स्मोक को अगर हम लोग केयरफुल हैंडल करते हैं तो वो आग जल पड़ेगी। यानी ह्यूमन बॉडी में जो हमारी लस्टी प्रोपेंसिटीज हैं जो हमें कवर कर रही है, उन्हें हमने केयरफुली हैंडल कर लिया और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर लिया, तो हमारी जो कृष्ण कॉन्शियसनेस की फायर है वो जल पड़ेगी और तेजी से हम आगे बढ़ जाएंगे। इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वन कैन कॉन्कर द एनिमी लस्ट बाय कल्टिवेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस अंडर एबल गाइडेंस। तो गाइडेंस बहुत जरूरी है, विम्सिकली हम नहीं कर सकते, तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में ही ये पॉसिबल है और गाइडेंस में पॉसिबल है, तो दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं अभी, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और इस स्मोक को क्लियर करके जो हमारी स्लाइट फायर है उसे हमें एक जोरदार फायर में कन्वर्ट करना चाहिए। नाउ द कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स, द एनिमी इज फर्दर डिस्क्राइब्ड इन द नेक्स्ट वर्स। तो दिस एनिमी ऑफ लस्ट इज अभी उसके बारे में और अभी भगवान आगे नेक्स्ट वर्स में बताएंगे। नाउ हियर कम्स वर्स नंबर 3.39, इसका ये टेक्स्ट है एंड हियर इज द ट्रांसलेशन। दस द वाइज लिविंग एंटिटीज प्योर कॉन्शियसनेस बिकम्स कवर्ड बाय हिज इटरनल एनमी इन द फॉर्म ऑफ लस्ट व्हिच इज नेवर सेटिस्फाइड एंड व्हिच बर्न्स लाइक फायर। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि लस्ट इट बर्न्स लाइक फायर, ये आग जैसा है, उसको फायर से बार बार कंपेयर किया जाता है, बिकॉज इट कैन डिवोर एनीथिंग जस्ट लाइक फायर, एंड एट द सेम टाइम
फायर में फ्यूल डालने से वो फायर और बढ़ जाती है। इसी प्रकार लस्ट को अगर हम और फ्यूल डालते हैं, अपनी लस्टी प्रोपेंसिटीज को सेटिस्फाई करते हैं, तो लस्ट और बढ़ जाती है। दैट इज द पॉइंट दैट इज बीइंग इन टोल्ड हियर इन दिस वर्स। और लिविंग एंटिटी का जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो उसके इटर्नल एनिमी, तो ओरिजिनली द कॉन्शियसनेस इज प्योर लेकिन उसके इटर्नल एनिमी लस्ट से कवर हो जाता है। तो हमारी कॉन्शियसनेस प्योर है, इन मटेरियल नेचर में जाकर के ये कवर हो गई है। सो दैट इज द पॉइंट दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर। तो देखिए, मनुस्मृति में ये बताया भी गया कि लस्ट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाई एनी अमाउंट ऑफ सेंस एंजॉयमेंट, जस्ट एज फायर इज नेवर एक्सटिंग्विश्ड बाई अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ फ्यूल, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि फायर में आप कितना भी फ्यूल डालिए उससे फायर बुझेगी नहीं और बढ़ेगी ही। तो मटेरियल वर्ल्ड इज मैथुन आगार और द शैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ। तो मटेरियल वर्ल्ड को शास्त्र में बताया मैथुन आगार है, यानी यहाँ पे सब कोई बंधे हुए हैं इस आगार में। कैसे? बाय द शैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ। आप एक ऐसा जेल देखिए कि जिसके लॉक खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, फिर भी कोई चोर वहां से भागता नहीं। वो जेल है हमारा मटेरियल वर्ल्ड। इसमें कोई हमें बांध करके चेन से नहीं रखा है लेकिन फिर भी हम यहां से भागते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शैकल्स जो है वो आयरन के नहीं है। यहाँ पे जो शैकल्स हैं वो सेक्स लाइफ के शैकल है, यानी ये कारागार नहीं है, ये मैथुनागार है। तो कारागार को तो फिर भी लोग छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन माया देवी ने एक ऐसा ये मैथुनागार बनाया है कि यहाँ पे गेट खुले हैं फिर भी लोग भागते नहीं हैं। तो ओरिजिनली ये मतलब एक शास्त्रीय नहीं है, मतलब दिस इज हाउ सम सीनियर डिवोटीज एक्सप्लेन कि जब भगवान ब्रह्मा ने, ये शास्त्रीय कहानी नहीं है लेकिन दिस इज हाउ अवर सीनियर डिवोटीज समटाइम्स एक्सप्लेन कि एक्चुअली भगवान ब्रह्मा जी ने जब ये जड़ जगत बनाया था तो सब कोई उस समय छोड़ करके जा रहा था जंगल में तपस्या करके, भगवत धाम वापस चला जा रहा था। लेकिन उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने जब सेक्स लाइफ बना दिया, उस समय सेक्स लाइफ का क्रिएशन नहीं था, तब कोई भगवत धाम नहीं जा रहा था। तो ब्रह्मा जी को पहले चिंता हो गई थी कि अरे ये तो लोग तो सब कोई छोड़ छोड़ के जंगल जा रहे हैं तपस्या करके, यहाँ पे वापस चले जा रहे हैं, तो मटेरियल वर्ल्ड में रहेगा कौन। तो उसके बाद फिर उन्होंने सेक्स लाइफ का क्रिएशन किया, वो सेक्स प्लेजर का क्रिएशन किया, और उसके बाद फिर लिविंग एंटिटीज यहाँ पर बंद करके रहने लगे। तो देयरफॉर दिस मटेरियल वर्ल्ड इज मैथुनागार। यानी श्रील प्रभुपाद भी बोलते थे कि इफ अ लिविंग एंटिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कैन गिव अप सेक्स लाइफ इज 50% लिबरेटेड ऑलरेडी। आपका 50% काम तो ऐसे ही हो गया अगर यू कैन जस्ट गिव अप सेक्स लाइफ। सो दैट इज वॉट श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू टेल। सो एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन मींस इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिविंग एंटिटी। यानी हम जो एडवांसमेंट कर रहे हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कि हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है दुनिया का, तो इफ इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, यानी अपने सेंसेस को कैसे एंजॉय करें यही बेसिस है उस एडवांसमेंट का। सो दिस मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिविंग एंटिटी। उस एडवांसमेंट को श्रील प्रभुपाद को बोलते थे दिस इज अ डिफीट, बिकॉज बाय दिस एडवांसमेंट हम अपने जो जो हमारा आगार, हमारा जो पीरियड है प्रिजन का, उसे हम और इलोंगेट कर रहे हैं, उसे हम और बढ़ा रहे हैं। यानी इस एडवांसमेंट से हम और ज़्यादा सिंफुल एक्टिविटीज क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि हमारा मटेरियल एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है और वो बढ़ रहा है। तो ऐसे सिविलाइजेशन के एडवांसमेंट का क्या फ़ायदा, जिससे कि हमारा ड्यूरेशन बढ़े ही। सो दैट इज द पॉइंट। तो इसीलिए मेटल सिविलाइजेशन का जो एडवांसमेंट है, अगर उसका बेसिस सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन है कि कैसे हम अपने सेंसेस को और अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, बस इसी बेसिस पे एडवांसमेंट हो रहा है, सो दिस इज यूजलेस एडवांसमेंट, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। अगर जो एडवांसमेंट है सिविलाइजेशन का वो हमें हेल्प कर रहा है टू बिकम मोर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो दैट एडवांसमेंट इज वेलकम। लेकिन अगर वो प्रमोट कर रहा है सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन को, सो दिस इज एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग अस, बिकॉज हमारा मटेरियल जो मटेरियल टर्म है वो बढ़ते ही चला जा रहा है। सो द सो कॉल्ड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इन सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द अल्टीमेट एनवी ऑफ द सेंस एंजॉयर। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में इंगेज करते हैं तो जो सो कॉल्ड स्मॉल हैप्पीनेस दैट वी गेट, एक्चुअली यू शुड नो कि दैट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी।
बिकॉज क्यों ग्रेटेस्ट एनमी है, क्योंकि वो थोड़ा सा प्लेजर हमें अल्टीमेट जो स्पिरिचुअल प्लेजर है उससे दूर रख रहा है। यानी माया देवी ने मटेरियल वर्ल्ड में सिर्फ उतना ही प्लेजर, उतनी ही खुशी डाल के रखी है जितने से कि लोग इस मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ करके भागे नहीं, बस उतनी सी खुशी है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो एक कहानी आती है कि एक बंदर था, उसने एक जार में हाथ डाला जिसमें कि बहुत सारे कुकीज थे और उन्हें पकड़ लिया। अब उसका हाथ बाहर नहीं निकल रहा था और उधर हंटर आ रहा था उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो अपना हाथ बाहर निकाल करके जा नहीं पा रहा है क्योंकि वो कुकीज को पकड़ा हुआ है। तो माया देवी का यही टेक्निक है कि माया देवी इस सेक्स लाइफ के रूप में या लस्ट के रूप में वो छोटी छोटी कुकीज हमें दे करके हमें फंसाई हुई हैं। इफ वन कैन लेट इट गो, कुकीज को छोड़ देगा तो उस बंदर का हाथ निकल जाएगा और वो वहां से भाग सकता है, लेकिन वो वहां पर उसे भाग नहीं रहा है और हंटर उसे मार रहा है डंडे से। तो माया देवी भी हमें आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक क्लेश से मारते रहती हैं, त्रितापों से मारते रहती हैं, लेकिन हम फिर भी भागते नहीं हैं क्योंकि हम ये जो छोटा सा प्लेजर है इसके कारण यहाँ पे बंधे हुए हैं। सो देयरफॉर दिस सो कॉल्ड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, जो थोड़ी सी फीलिंग आती है सेंस ग्रेटिफिकेशन में, एक्चुअली इट इज अवर ग्रेटेस्ट एनिमी। अगर हम ये सो कॉल्ड छोटी सी फीलिंग जो है हैप्पीनेस की उसे छोड़ दें तो वी बिकम लिबरेटेड, हम फुली लिबरेट हो जाएंगे। शिला प्रभुपाद भी बोलते हैं 50% काम तो ऐसा ही हो गया आपका, इफ यू कैन जस्ट गिव अप सेक्स लाइफ, बिकॉज इट रियली इंक्रीजेस अवर बॉडीली कॉन्सेप्शन। जो हम रियलाइज करना चाहते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, सेंस ग्रेटिफिकेशन हमें बार बार ये इस कॉन्सेप्शन में डालता है कि हम शरीर ही हैं, देयरफॉर इट इज वेरी डेंजरस। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर। सो दिस इज वर्स नंबर 39। तो कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स, व्हेन वन फियर्स हिज एनिमी ही मस्ट डिस्कवर वेयर ही इज सिचुएटेड। सो कृष्णा नेक्स्ट एक्सप्लेन्स वेयर टू फाइंड लस्ट एंड व्हाई इज इट सो डेंजरस। तो जब आपको पता चल गया कि हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो कोई और नहीं, वो लस्ट है, तो अब हमें उसके बारे में और जानना चाहिए कि उसका अड्डा कहाँ है, उसकी शक्तियाँ क्या है, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके वीकनेस क्या है। तो नाउ नेक्स्ट कृष्णा विल एक्सप्लेन कि वेयर यू कैन फाइंड लस्ट एंड व्हाई इट इज सो डेंजरस, उसका सबसे घातक वेपन क्या है, उसका हथियार क्या है। तो दुश्मन से लड़ने से पहले उसके बारे में जितना इंफॉर्मेशन हो पाए हमें कलेक्ट कर लेना चाहिए। तो फॉर दिस एनिमी कृष्णा विल नाउ सप्लाई ऑल इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन फाइट दिस एनिमी सक्सेसफुली। तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस प्लेसेस, कहाँ पे कि वेयर, फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड लस्ट, लस्ट के जो अड्डे हैं वो कहाँ हैं, इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं, वर्स 3.40 ऑनवर्ड्स। तो आज के सेशन में अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।